आखिरकार इजाज और पवित्रा के मैटर में अभिनव शुक्ला को क्यों किया जा रहा है टारगेट सलमान खान द्वारा, ये जानते हैं क्या है पूरा माजरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों अगर हम बात करें कल के वीकेंड के वार के बारे में, तो कल के वीकेंड के वार पे हमने देखा कि किस तरीके से पवित्र पुनिया की क्लास लगा रहे थे सलमान खान, लेकिन क्लास लगाते लगाते सलमान खान पहुंच जाते हैं अभिनव शुक्ला के पास। अभिनव शुक्ला के पास आके सलमान खान कहते हैं, यानी कि सलमान खान अभिनव से पूछते हैं कि अभिनव तुमने पवित्रा को क्यों नहीं रोका, पवित्रा को क्यों नहीं समझाया, क्यों अभिनव तुमने पवित्रा को ये नहीं कहा कि तुम इजाज को जाके सॉरी बोलो, क्या आप इस चीज का मजा उठा रहे थे कि पवित्र पुनिया और इजाज खान लड़ रहे हैं। वेल इस पे अभिनव क्लेरिफिकेशन देने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सलमान खान जो है अभिनव को क्लेरिफिकेशन नहीं देने देते हैं। अभिनव को ये कहते हैं सलमान खान कि जब जैस्मिन और राहुल का लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, उस टाइम पे तो आपने बिना बात सुने ही उस समय जैस्मिन भसीन को सपोर्ट किया था, तो आज क्या हुआ, आपने इजाज और पवित्रा के लड़ाई में पवित्रा को क्यों नहीं समझाया, पवित्रा तो आपकी काफी अच्छी दोस्त है, आपकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है, तो आपने इस टाइम पे इजाज खान का सपोर्ट क्यों नहीं किया, पवित्रा को क्यों नहीं समझाया। वेल यहाँ पे अगर अभिनव कुछ बोलने की कोशिश करते तो सलमान बीच में उन्हें चुप करा देते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सलमान खान अभी इस समय अभिनव शुक्ला से रूठे हुए हैं या फिर कुछ और बात है, वेल ये तो सलमान ही जाने। लेकिन जिस तरीके से आज सलमान खान अभिनव को टारगेट कर रहे थे, इसके बाद तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि सलमान खान कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला से नाखुश हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इजाज और पवित्रा की लड़ाई में अभिनव शुक्ला को बीच में बोलना चाहिए था जैसा कि सलमान खान कह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है ना मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूंगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।